इट अगेन। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंसेस का। तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि लैडर इज 20 मीटर लॉन्ग, लैडर जो है सीढ़ी जो है वो 20 मीटर लॉन्ग है, रीचेस द डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ। तो जैसे ये फ्लैगस्टाफ है तो उसके ऊपर से फ्रॉम द टॉप रीचेस द डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द टॉप, 20 मीटर ऊपर से, 20 मीटर जो है डिस्टेंस राइट फ्रॉम द टॉप वहां तक पहुंचती है सीढ़ी, और सीढ़ी की जो डिस्टेंस है जो लेंथ है वो 20 मीटर है। एट द फुट ऑफ द लैडर द एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60, जहां पे लैडर के फुट है अगर उसको टॉप ऑफ द फ्रॉम द फुट द टॉप इज उसका जो फ्लैग स्टाफ के टॉप को अगर व्यू करते हो तो आपको 60 डिग्री एंगल मिलता है, ये पूरा 60 डिग्री, करेक्ट। सो हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इस पूरे की हाइट लेनी है। ये तो 20 मीटर हो गया, ये मान लो जी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हमें एक्चुअली चाहिए ए बी पूरी, इसकी लेंथ चाहिए। तो हमने क्या किया, दो काम करेंगे इसमें, एक तो ये डिस्टेंस मैं एक्स मान रहा हूं और ये डिस्टेंस मुझे वाई अलाव ले रहा हूं, करेक्ट। तो मुझे एक्चुअली चाहिए वाई प्लस 20, वाई की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है, करेक्ट। अब ध्यान देना बेटा जी, अगर ये एंगल 20 है, ये तो 90 है, 60 है सॉरी, ये एंगल और ये 90 है, तो ये एंगल हमें निकालना हो इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो हमारे पास जो सी एंगल है, ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल का सम होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए एंगल हमें पता नहीं है, बी एंगल जो है वो हमारे पास 90 है, ये 90 है, और जो सी एंगल है वो 60 है, तो 180, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 150, तो आएगा 180 माइनस 150, दैट विल बी इक्वल टू 30, तो ये एंगल 30 आ गया, करेक्ट। अब ध्यान देना जरा, अब हमारे पास ये जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एक चीज और है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट भी एंगल इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो इसके ऑपोजिट ये एंगल है और इसके ऑपोजिट ये एंगल है, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, ये जो लैडर है उसका जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है, तो मैं बात करना चाहता हूं इन ट्रायंगल ए सी डी, जरा ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को वी कीजिए, ये ट्रायंगल, अब उसके ऊपर लेंथ के ऊपर मत जाना देखने में क्यों बड़ी छोटी है, बट मैं आपको वैल्यू बताना चाहता हूं कि जो ए बी है, ए डी इज इक्वल टू सी डी है, दोनों ही 20 मीटर है, ए डी भी 20 है और सी डी भी 20 है, इसका मतलब इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो है इसके ऑपोजिट एंगल है ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू, और इसके ऑपोजिट एंगल इस साइड के ऑपोजिट एंगल है ये एंगल सी ए डी, करेक्ट। तो मेरे पास, और ये एंगल हमने निकाला हुआ 30, क्योंकि ये जो ए एंगल है ये 30 निकाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल भी 30 हो गया, करेक्ट। अगर ये एंगल 30 हो गया तो ये एंगल टोटल 60 है, तो ये एंगल भी 30 आ गया, क्योंकि 30 प्लस 30 60 होगा। तो हमारे पास
अब पूरा जो प्रॉब्लम है वो तैयार हो चुकी है, अब हम सिर्फ वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, यस, अब मैं ले रहा हूँ सबसे पहले तो ये स्मॉल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी, ये वाली ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल डी सी बी, ये 90 डिग्री हाइपोटेनस, मुझे एक्स और वाई के अंदर रिलेशन निकालनी है। अब टेन ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए, आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाई और एक्स के अंदर रिलेशन, तो मैं क्या ले रहा हूँ, टेन ले लिया, टेन 30 डिग्री, ये एंगल टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है बी डी और बेस है सी बी, और परपेंडिकुलर है वाई, जो बी डी है वो वाई है और सी बी है वो एक्स है, तो हमारे पास टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, सो दैट विल बी इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो बेटा जी वाई की वैल्यू आ गई, अभी इस इक्वेशन को यूज़ करने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है या वाई की निकालनी है वो देखेंगे। इस इक्वेशन को हम वन लिख दिया। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ पूरी लार्ज ए सी बी, करेक्ट, ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी, उसके अंदर हमारे पास फिर ये पूरा एंगल ये 60 डिग्री है, टेन 60, तो टेन ही ले लिया, और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना, और परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी इसका, और बेस हमारे पास सी बी, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी और ये सी बी, और जो परपेंडिकुलर है ये जो सी बी ए बी ए बी ए बी है वो 20 माइनस वाई है, जब वाई माइनस 20 की बात है, वाई प्लस 20 सॉरी, और सी बी की वैल्यू एक्स, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, टेन 60 की वैल्यू है √3, तो इज इक्वल टू हो गया वाई प्लस 20 अपॉन एक्स। अब बेटा जी देखो, जो चीज़ कॉमन है ना दोनों में से निकाल दो, इसमें दोनों इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन से आप क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स ऊपर ले जाते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाते हैं, तो आ गया जी रूट वाई, रूट थ्री वाई, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, सो दिस विल बिकम √3 वाई प्लस 20 और √3 वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू आर गेटिंग, √3 इंटू √3 थ्री वाई आ गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये वाई इधर चला गया, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 2y इज इक्वल टू 20, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10 मीटर, तो हमारे पास y की वैल्यू 10 मीटर आ गई, तो हमें निकालना था देयर फॉर ए बी, जो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ है दैट इज y प्लस 20 एंड दैट विल बी 10 प्लस 20, दिस इज 30 मीटर, दिस विल बी द आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, हाइट दोनों पिलर्स की इक्वल है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड वे, अगर मान लीजिए ये एक रास्ता है, ये है डिस्टेंस, और एट द पॉइंट ऑन द रोड वे, और जो रोड वे है वो 30 मीटर वाइड है, 30 मीटर वाइड, मान लो ये एक पिलर ए के ऊपर लगा हुआ है, एक बी के ऊपर लगा हुआ है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये से बी, ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, इट इज गिवन, एक पिलर आपका यहाँ है, एक पिलर आपका यहाँ है, दोनों की हाइट सेम है, एच एच हाइट मान लीजिए, ठीक है, ये डिस्टेंस आप बी मान लो, ये सॉरी पॉइंट, ये डी मान लो। नाउ उन्होंने कहा कि कहीं एक को पॉइंट है यहाँ पे बिटवीन द बोथ, एट ए पॉइंट इन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स है 30 और 60, एक दोनों एक पिलर को देखा, ये डी ले रहा हूं, तो उस इसका पिलर की जो एलिवेशन है 60 है, दूसरे पिलर के टॉप को देखा उसकी एलिवेशन है 30, इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूं, तो कहता है डिटरमाइन द हाइट एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, हाइट हाइट किसकी निकालनी है, पिलर्स की, ये जो एच निकालना है, और दूसरा इसकी पोजीशन क्या है, मतलब ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे और बी पॉइंट से, अगर एक किसी भी एक का आ गया डिस्टेंस तो अपने आप दूसरा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 30 है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कोई, करेक्ट, सो एस क्या लेट करने जा रहे हैं,
मैं ये लेट कर लेता हूँ कि मान लीजिए ये ए पी जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, मान लो ये एक्स है, तो ये कितना होगा, ये 30 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 30 है, तो 30 में से एक्स निकाल देंगे, दैट विल बी बी पी। सो लेट हम करेंगे ए पी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसलिए जो बी पी होगा दैट विल बी 30 माइनस एक्स, करेक्ट, दिस इज वन थिंग। नाउ अब हमें बेसिकली अब x की वैल्यू भी निकालनी है और h की वैल्यू भी निकालनी है, इट इज इंटरेस्टिंग। नाउ सो ये एंगल 30 है, मैं पहले ये दोनों ट्रायंगल लूंगा अलग अलग, सो इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, तो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, मेरे को ये इन्वॉल्व करनी है दिस एंड दिस, जिसमें x सोचा जाए, तो मैं tan ले लेता हूँ, tan 30, टेन होता है क्योंकि ये बेस परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है और जो बेस है वो ए पी है, ए बी की वैल्यू एच है, ए पी की वैल्यू एक्स है, तो टेन थर्टी या वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू एच बाय एक्स, ठीक है। इसको यूज करेंगे फिर नेक्स्ट, अभी क्या करना है वो दूसरी हम ट्राइंगल लेने के बाद डिसाइड करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी बी डी, पी बी डी, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, 60 डिग्री, और इसको दोनों को इन्वॉल्व करता हूं तो टेन ले देंगे, टेन 60 डिग्री दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये होता है बी डी और बेस होता है पी बी, बी डी की वैल्यू एच है और पी बी की वैल्यू 30 माइनस एक्स है, सो व्हाट यू विल गेट हियर, टेन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, दैट इज एच अपॉन 30 माइनस एक्स, करेक्ट। आप कीजिए यहाँ से ना, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स अपॉन रूट थ्री, करेक्ट, वैल्यू निकाल लीजिए एच की, एच एक्स ऊपर चले गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, ये एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, करेक्ट। तो वेन यू विल सब्स्टिट्यूट एक्स, रूट थ्री है, एच की वैल्यू आपने क्या पुट की, एच की वैल्यू पुट की एक्स अपॉन रूट थ्री और ये 30 माइनस एक्स, करेक्ट। सो व्हाट यू विल गेट, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो यू हैव ए रूट थ्री इंटू रूट थ्री 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये रूट थ्री आ गया जी, थ्री इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट। तो हमारे पास ये बन जाता है जी 3 इंटू 30 30 90, ये बन गया माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये इधर चला गया 90 इज इक्वल टू 4x, 3x प्लस एक्स 4x, तो x की वैल्यू आ गई बेटा जी 90 बाय 4 को ये 2 आ गया, ये 45 आ गया, 45 को 2 से डिवाइड गया 22.5 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई, तो हमारी पोजीशन भी आ गई पॉइंट P की, मतलब इस डिस्टेंस से A इतने डिस्टेंस पे होगा 22.5। अब h की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ये h की वैल्यू निकालनी है तो आप x अपॉन रूट थ्री, सो देयर फोर एच इज इक्वल टू x अपॉन रूट थ्री, एक्स की वैल्यू है 22.5 अपॉन रूट थ्री, ठीक है जी। अब रूट थ्री की वैल्यू चाहिए आपको, ओके, सो दिस इम्प्लाइज, बस अब अगर रूट थ्री की वैल्यू दी हुई तो सॉल्व करना है, अगर नहीं दी हुई तो कोई सॉल्व नहीं करना, यू कैन लीव द आंसर हियर, करेक्ट। व्हाट दे हैव आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मतलब आप किसी जगह पे खड़े होकर अगर सन को देखते हो तो उसका एंगल कितना बनता है ग्राउंड से, वो आपने निकालना है। बट इसमें इंपॉर्टेंट कुछ और है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल इज 30 रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, करेक्ट। पहले मैं सिचुएशन बनाता हूं कि मान लीजिए हाइट ऑफ द पोल जो है वो एच है, उसकी जो शेडो है, ऐसे शेडो आएगी नजर, ऐसे शेडो बनेगी, ऐसे धरती पे ऐसे शेडो बनेगी, मान लो ये शेडो बन रही है, तो ये जो एंगल होगा ना, इस ये एंगल जो है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, दिस इज द एंगल,
ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है जी, क्योंकि उसी के कारण तो परछाई बन रही है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है। इसको अब नाम दे दीजिए, जैसे ए, ये बी और सी। अब हमें जो गिवन है, उन्होंने बोला व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो है ये ए सी, इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। मतलब हमारे पास गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल है ए बी, ये गिवन है। मीन्स ए सी की वैल्यू रूट थ्री ऑन ए बी है। तो बड़े ध्यान से देखना, ये एंगल है थीटा, तो मैं इसका ले रहा हूं, देयर फॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल है, ये हाइपोटन्यूज है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो टैन थीटा, ये एंगल है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है ए बी, बेसिकली जो टैन की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमारे पास ए सी है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, ए सी की वैल्यू निकाल लेता हूं, ए सी की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, ए बी रूट थ्री ए बी, ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, वन बाय रूट थ्री आ गया। तो मेरे पास टेन थीटा जो है वन बाय रूट थ्री आ गया, और टेन थीटा वन बाय रूट थ्री कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। सो दिस इज द आंसर।